तो आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम के विषय में, और उससे पहले कबीर के एक दोहे के साथ हम अपनी बात का प्रारंभ करते हैं। कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी टोए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की स्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी विकट से विकट हों, एक समय के बाद उन स्थितियों में परिवर्तन आता ही है और हमारे जीवन को सकारात्मक रूप में वह स्थितियां लेकर के जाती हैं। यदि हम बात करें सर्वनाम के विषय में, तो सर्वनाम वह शब्द हैं जो कि वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा या वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यदि सर्वनाम के भेदों पर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से हमारा तात्पर्य सर्वनाम के एक ऐसे रूप से है जिसमें वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से ध्यान इंगित करके संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जब वक्ता स्वयं की बात करता है तो उसे हम कहेंगे, जब वक्ता स्वयं की बात करेगा तो उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जब वक्ता श्रोता की बात करेगा, सुनने वाले की बात करेगा, तो उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष। जब श्रोता और वक्ता मिल करके किसी अन्य पुरुष, किसी अन्य व्यक्ति की बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे कि उत्तम पुरुष में आ जाएंगे मैं, मेरा, हम इत्यादि। वहीं हम अगर बात करें मध्यम पुरुष की तो तुम, तेरा, तुम इत्यादि शब्द आपके मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। वहीं अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन, तृतीय व्यक्ति की बात होगी जो उस पूरी चर्चा में कहीं पर भी उपस्थित नहीं, जैसे कि वे, वेदेनो, वे सब इत्यादि शब्द आपके अन्य पुरुष, तृतीय पुरुष में आएंगे। इसके बाद यदि हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध हो, निश्चित रूप से होने का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि यह एक दिशा विशेष, एक व्यक्ति विशेष, एक स्थान विशेष की ओर ध्यान इंगित कराता है। जैसे वे बाहर गए, इस शब्द में, इस वाक्य में वे जो शब्द है, वे शब्द कहीं ना कहीं एक निश्चितता की ओर ध्यान अंकित कराता है। वह मेरा मित्र है, इस वाक्य में कहीं ना कहीं यह जो वह शब्द है वह एक निश्चित भाव को प्रकट करता है, अस्तु यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, जैसे कोई, कुछ, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इत्यादि शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वहीं जब दो चीजों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो और सो आपस में एक प्रकार का संबंध व्यक्त कर रहे हैं, अस्तु यहाँ पर सो शब्द जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब किसी प्रकार के प्रश्न की बात हम करते हैं, क्या, कौन इत्यादि इत्यादि, जैसे कि हम पूछें तुम कौन हो या तुम्हें क्या चाहिए, तो इन शब्दों में, इन सार्वनामिक पदों में जो कौन शब्द है या जो क्या शब्द है, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। वहीं यदि हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की, इस प्रकार से बच्चों हमने सर्वनाम के पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। वहीं यदि हम निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो जब मैं स्वयं की बात करूंगा,
जब हम निज की बात करते हैं, जहां पर निजता आ जाती है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, या मैं अपना भोजन आप बना लूंगा, मैं स्वयं ये कार्य कर लूंगा। तो ये जो स्वयं, अपना, आप इत्यादि शब्द हैं जो निजता का बोध करा रहे हैं, इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। आशा है बच्चों आज का आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और आगे के प्रकरणों को हम अपने आगे के चैप्टर्स में, आगे की वीडियोस में समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे। धन्यवाद।